नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलमा 40 टैबलेट के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू करेंगे कि जो ये टेलमा 40 टैबलेट आती है ये किस कंपनी की आती है, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, डॉक्टर इसको कब प्रेस्क्राइब करते हैं और इसके साइड इफेक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप के देखिएगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये टेलमा 40 टैबलेट आती है ये ग्लेनमार्क फार्मा की आती है और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर टेलमिसैटिन इंग्रेडिएंट होता है जो कि 40 mg में अवेलेबल रहता है। और फ्रेंड्स, इसके टैबलेट के बारे में बात करें तो इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ इसकी टैबलेट कैसे आती है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसकी जो टैबलेट्स की पैकिंग रहती है कुछ इस तरह की रहती है और एक स्ट्रिप में 30 टैबलेट आती है और इसकी जो प्राइस रहती है 222 रुपीज़, यानी कि 222 रुपये एक स्ट्रिप की ये प्राइस रहती है। और फ्रेंड्स, इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो मेन यूज़ है ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हाई बीपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ फ्रेंड्स, ये हार्ट फेल्योर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अगर फ्यूचर में दिल के दौरे पड़ने की संभावना हो और स्ट्रोक की दिक्कत हो तो उसमें रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये अगर डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो उनके किडनी फंक्शन को भी इम्प्रूव करने में ये काफ़ी असरदार साबित होता है ये टेलमा 40 टैबलेट। और फ्रेंड्स, इसके बात करते हैं कि इसको कब खाना चाहिए, कैसे इसको लेना है, दिन में, रात में, कब, कैसे। तो फ्रेंड्स, इसका जो आप इसको सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं या दिन में, रात में, कभी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ध्यान देने की बात यह है कि आप एक समय बना लें, आप दिन में या रात में कोई भी एक समय डिसाइड कर लें और रेगुलरली उसी टाइम पर ही आप इस मेडिसिन का यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और कि ये जो मेडिसिन है आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसका इस्तेमाल आपको करना होता है, जैसा कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी कुछ लोग इसका यूज़ करते हैं तो जब हेल्दी महसूस करने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो क्या करते हैं, इस मेडिसिन का यूज़ करना बंद कर देते हैं, वो भी बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। तो फ्रेंड्स, ऐसा आपको नहीं करना है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस टैबलेट को कंटिन्यू करना है और बंद तो बिल्कुल नहीं करना है जब तक आपको डॉक्टर एडवाइस ना दें। डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही आप इस टैबलेट का डिसकंटिन्यू करें। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको लाइफ स्टाइल में भी कुछ चेंजेस लाने होंगे, जैसा कि अगर आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा और वेट लॉस करके भी आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। धूम्रपान अगर आप करते हैं तो उसको बंद करना पड़ेगा और शराब का सेवन करते हैं तो उसका भी आपको बंद करना होगा। इसके साथ साथ आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग जैसे आपको एडवाइस करते हैं उस हिसाब से आप अपने खाने में नमक की मात्रा को भी कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आपको इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको अगर कोई मेडिसिन चल रही हो, जैसे कि कोई भी किडनी की या लिवर की, तो उस केस में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप इस मेडिसिन को यूज़ करना है। और इसके साथ साथ अगर फ्रेंड्स प्रेग्नेंट वेमेंस हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हूँ तो आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसा कि इसको लेने के बाद अगर आपको साइनस की संक्रमण भी हो सकती है और पीठ दर्द हो सकता है और इसके साथ साथ आपके श्वसन तंत्र के ऊपरी हिस्से में भी आपको संक्रमण हो सकता है और डायरिया की भी प्रॉब्लम, यानी कि दस्त की भी दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि आपको देखने को मिल सकती है इस टेलमा 40 टैबलेट के। तो फ्रेंड्स, ये था टेलमा 40 टैबलेट का रिव्यू। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।